सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एंड ऑल्सो प्रेस दिस नोटिफिकेशन वाली घंटी ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। हाय माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ सुमन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा स्किन केयर रूटीन, और ये है एक फेशियल रूटीन जो कि मैं यूज़ करती हूँ ऑरेंज के साथ। ये कम्प्लीटली एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, सो ये पूरा का पूरा एक नेचुरल फेशियल होगा। कैसे करना है, कैसे लगाएंगे और कैसा बेनिफिट आता है फेस पर, सब कुछ इस वीडियो में है। सो लेट्स हेड टू द वीडियो। फॉर फेशियल क्लीनिंग सबसे पहला स्टेप है हमारा क्लेंजिंग मिल्क अप्लाई करना। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑफ कच्चा मिल्क या रॉ मिल्क आप ले सकते हो, और 7 to 8 drops ऑफ ऑरेंज। इसको मिक्स करके आप कॉटन पैड से लेकर अपने फेस पर अप्लाई करिए। इससे आपका थोड़ा बहुत मेकअप जो पहले से है वो निकल जाएगा, और बहुत अच्छे से ये क्लीनिंग करता है। नेचुरल होने के साथ साथ ये मॉइस्चराइज भी करता है। नेक्स्ट हम फेस को वॉश करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेस वॉश, और आप अपना कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जो आपकी स्किन पर बेटर वर्क करता है। मैं यूज़ कर रही हूँ हिमालय का नीम फोमिंग फेस वॉश, और मैं इसे हैंड्स पर लेकर अच्छे से अप्लाई करूँगी और उसके बाद फेस को वॉश कर लूँगी। फोमिंग फेस वॉश की सबसे अच्छी बात है कि ये ऑलरेडी फोम में आता है, तो आपको ज़्यादा मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल आप इफेक्टिव क्लीनिंग के लिए इसे अच्छे से जेंटली मसाज करिए, ज़्यादा रगड़ना झगड़ना नहीं पड़ता है। फेस वॉश के साथ इफेक्टिव क्लीनिंग भी होती है और अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। यू कैन गो विद दिस फेस वॉश इफ़ यू हैव ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन। नाउ वी विल वॉश इट ऑफ। फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑरेंज स्क्रब, इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले ऑरेंज को ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के लिए आप घर पर ही किसी भी ऑरेंज को लेकर अपने नॉर्मल कद्दूकस या ग्रेटर को लेकर ग्रेट कर सकते हैं, और इस स्टेज पर इसकी जो स्मेल है ऑरेंज की बिल्कुल वाइब्रेंट होती है, बहुत स्मेल अच्छी होती है। इसके अंदर हायर अमाउंट ऑफ विटामिन सी है इसके पील के अंदर। सो गाइस, ये स्क्रब ज़रूर लगाइए। अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हैं तो स्क्रब ज़रूर अप्लाई करिए। ये नॉर्मल पिगमेंटेशंस और प्रीमेच्योर एजिंग सब को रिमूव करता है, इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसके अंदर मैंने एलोवेरा जेल ऐड किया है, और 5 to 2 drops ऑरेंज का आप ले सकते हैं रस। इसका जो स्क्रब है जेंटल होने के साथ साथ इफ़ेक्टिव भी है, तो डोंट गेट फूल्ड कि हाँ ये नॉर्मल है, लिक्विड है तो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, बट ये स्क्रब बहुत अच्छा करता है। डू ट्राई दिस। अब मैं इसे एक कॉटन पैड से रिमूव कर लूँगी अपने फेस से, एंड नॉर्मल वाटर से वॉश करके मैं डैप डैप मोशन में इस वाटर को रिमूव कर लूँगी अपने स्किन से। थर्ड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी फेशियल का, है वो है स्टीमिंग। मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं डायरेक्ट स्टीम नहीं लेती हूँ अपने स्किन पर। मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखा रही हूँ जिससे आप अपने फेस पर स्टीम ले लेंगे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। मैं कॉटन पैड्स को ल्यूक वार्म वाटर में डालकर इसे एक्सेस वाटर निकाल कर अपने फेस पर प्लेस करूँगी मिनिमम 10 to 15 seconds के लिए, और फिर इस प्रोसेस को रिपीट करूँगी। आपको 4 to 5 times सिर्फ अपने कॉटन पैड्स को चेंज करना है, जिससे एक्सेस अमाउंट ऑफ आपकी स्टीमिंग है वो बिल्कुल चली जाएगी पोर्स के अंदर और सारे पोर्स ओपन हो जाएंगे। इससे आपकी सेंसिटिव स्किन बिल्कुल हार्म नहीं होती है। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप डायरेक्ट स्टीम ले सकते हैं, बट अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो इस स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा स्किन पर। एंड आई लुक क्रीपी राइट, सो डोंट माइंड दैट। आफ्टर स्टीमिंग प्रोसेस मैं सभी कॉटन पैड्स को रिमूव कर लूँगी, और आप देख सकते हो मेरा फेस प्लम्प हो चुका है बिकॉज पोर्स ओपन हो चुके हैं और वो बिल्कुल हाइड्रेटेड है इस स्टेज पर। आपको रुकना पड़ेगा 10 to 30 seconds के लिए बिकॉज हमारे स्किन पर जो टेम्परेचर है वो अभी एलिवेट हो चुका है, इसलिए हम वेट करेंगे कूल डाउन होने तक का। और एक्सेस वाटर को मैं यहाँ रिमूव कर लूँगी अपने टॉवल से। इन स्टेप 4 हम बनाएंगे ऑरेंज मास्क। इसके लिए मैं ले रही हूँ 7 to 8 drops का ऑरेंज जूस। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून ऑरेंज पील पाउडर एंड 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल।
पील पाउडर के लिए आप ऑरेंज के छिलकों को सुखाकर उसे पीस कर बना सकते हैं ऑरेंज पील पाउडर, या फिर अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करते हो तो आप पील पाउडर जो कि मार्केट में अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। इससे दोनों में बेनिफिट्स होते हैं, विटामिन सी के और जो हमारे फेस पर कोलेजन और इलास्टीन दोनों को सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। इस पेस्ट को हमें अपने फेस पर लगाना है और हम इसे अब अप्लाई करेंगे। सो इस मास्क को मैं अप्लाई कर रही हूँ एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। आप नॉर्मल ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, फेशियल ब्रशेस, जिससे आपका इवनली टेक्सचर में अप्लाई हो जाएगा ये मास्क। इस मास्क की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डी पिगमेंटेशन मास्क है, तो आपके जहाँ जहाँ अंडर आइज़ में या कहीं भी एक्सेस में डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है वहाँ इसे लगाइए, बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देता है ये मास्क। इस मास्क को इवनली अप्लाई करने के बाद आप वेट करिए इसे सूखने का। मैं वेट करती हूँ नॉर्मल 15 टू 20 मिनट्स का, तब तक ये बिल्कुल ड्राई आउट हो जाता है, ये एक्नेस को भी साथ में ड्राई आउट कर लेता है। तो तब तक हम देख लेते हैं ये हमारे स्किन पर ऐसे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो इस मास्क के हमें मिलने वाले हैं। ये मास्क एक्ने, पिंपल, डी पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम को रिमूव करता है क्योंकि ये ब्राइटनिंग मास्क है। नेक्स्ट, इसके अंदर है एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि फ्री रेडिकल प्रोवाइड करते हैं हमारे स्किन पर और प्री मैच्योर एजिंग को ये स्टॉप करता है। नेक्स्ट, इसके अंदर है सिट्रिक एसिड जो हमारे स्किन को परफेक्टली एक्सफोलिएट करता है नेचुरल तरीके से, और सबसे अच्छी बात इसके अंदर एक नेचुरल ऑयल है जो मॉइस्चराइज करता है हमारे स्किन को हेल्दी तरीके से। सो डेफिनेटली इतने सारे बेनिफिट्स देने वाला ये मास्क मेरा फेवरेट मास्क है, इसलिए मैं हर वीक इसे अप्लाई करती हूँ और फेस ब्राइटन हो जाता है बिल्कुल। तो अब ड्राई आउट हो चुका है हमारा मास्क, अब हम इसे रिमूव करेंगे। ये मास्क बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाता है फेस पर, तो इसे रिमूव करने के लिए आप अपने ऑरेंज को हाफ में कट करके स्क्विशी एरिया से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। इससे जेंटली वो धीरे धीरे पिघलता जाएगा मास्क और निकलता जाएगा धीरे धीरे, और आपकी स्किन ब्राइटन भी होती जाएगी। और इसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी नॉर्मल वाटर से, एंड आप रिजल्ट देख सकते हो, ग्लो पर ग्लो ही आता जा रहा है। बट हमें यहाँ नहीं रुकना है, अब हम अप्लाई करेंगे अपना टोनर, और मैं यूज़ करूँगी अपना DIY रोज़ वाटर। ये मैंने अपने घर पर ही बनाया है, किचन गार्डन में हम रोज़ उगाते हैं तो मैं उसका ही रोज़ वाटर बना लेती हूँ, और ये नेचुरल होता है, इफ़ेक्टिव होता है फेस पर। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी निविया का मॉइस्चराइज़र और इसे जेंटली अप्लाई कर लूँगी। आप इस स्टेज पर मसाज भी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी लिप बाम अपने लिप्स पर, और मैं यूज़ करी हूँ मेबलिन का लिप बाम। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और आप देख सकते हो मेरी स्किन ग्लोइंग, फ्रेश्ड एंड ब्राइटन अप। लिटरली अगर मैं कंपेयर करूँ तो गार्नियर का जो शीट मास्क है वो केमिकल बेस्ड है, बट आप अपने स्किन पर नेचुरली ये ग्लो खुद एक ऑरेंज से भी ला सकते हैं। सो आई होप ये फेशियल मास्क आपके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल रहा हो, और आई होप आप भी इसे नेचुरली यूज़ भी करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।